राजधानी रायपुर में काफी दिनों के बाद बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, मगर दूसरी तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से सड़क पर पानी भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हुए। लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के किनारे बनाए गए नाले गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, जिनकी सफाई नहीं की गई है और इसके कारण बारिश का पानी निकल नहीं पाता और सड़क पानी से भर जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून का सीजन है और एक घंटे की बारिश से ही राजधानी की सड़कें बेहाल हो गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सड़कें नहीं बल्कि तालाब है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर से जो रहवासी हैं वो आ रहे हैं, घुटनों तक पानी भर चुका है और वो किस तरीके से आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी रायपुर के जल विहार कॉलोनी का नजारा है, जहाँ पर हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ के रहवासी से ही जानते हैं कि वे कितने दिनों से इस मुश्किल का सामना करते हैं और क्या कुछ यहाँ पर आते हैं, कोई सुधार करने के लिए आते हैं या सड़कों पे जो पानी भर जाता है उसकी व्यवस्था का जायजा लेने आते हैं कोई? हाँ, आते तो हैं, जायजा लेने आते हैं। कितने मरीन ड्राइव जब बना है तब उस समय से यहाँ पर जल भराव की स्थिति जो है वो देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इस व्यवस्था को सुधार नहीं किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, अधिकारियों जैसा कि इन्होंने बताया कि व्यवस्था सुधारी जा सकती है, लेकिन कोई अभी तक इसमें सुध लेने नहीं आया है। हमारे साथ और भी रहवासी मौजूद है, आप उस पार जाना चाहते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती है आपके सामने और ये जो जल भराव की स्थिति है वो कब से बनी है? क्या पिछले वर्ष भी यही नजारा देखने को मिला था? काफी बहुत साल से ऐसे पानी ऐसे चल रहा है, काफी साल से, बहुत साल हो गया, कभी 2-3 साल बहुत पहले हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को या फिर टीम को? ये पानी का ठीक करना चाहिए मैम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। एक और वाहन चालक आ रहे हैं जिसे आपने देखा कि घुटनों तक पानी भर गया है। यहाँ पर पैदल चलना तो काफी मुश्किल हो रहा है, दो पहिया वाहन चालकों को आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती है। तो इसी तरीके का ये जो नजारा है वो राजधानी रायपुर का देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कही जाने वाली रायपुर, स्मार्ट सिटी कही जाने वाली रायपुर का इस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।